दिस न्यूज इज स्पॉन्सर्ड बाय चाणक्य IAS अकेडमी चंडीगढ़। अगर आप भी देखते हैं सुनहरे भविष्य का सपना, बनना चाहते हैं IAS, IPS या IFS, तो विजिट करें चाणक्य IAS अकेडमी चंडीगढ़ ब्रांच। नगर परिषद मैदान कांगड़ा में श्री रामलीला सभा द्वारा सांस्कृतिक संध्या प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे उपमंडलाधिकारी कांगड़ा नवीन तंवर ने विजेता रहे बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। संध्या में फैंसी ड्रेस में प्रथम विजेता प्रत्यांशी, सोलो डांस में संध्या और ग्रुप डांस में श्रुति एंड अर्पिता प्रथम स्थान पर रहीं। प्रतियोगिता में एकल नृत्य, ग्रुप डांस व रामलीला से संबंधित पात्रों की प्रतियोगिता भी करवाई गई। इस दौरान SDM कांगड़ा नवीन तंवर ने सभी प्रतिभागियों, बच्चों सहित आयोजनकर्ताओं को बधाई दी। सभी कार्यक्रम का उद्देश्य क्या, उन सभी को मैं बधाई देता हूँ कि जो इतने सालों से रामलीला का आयोजन सफलतापूर्वक करवा रहे हैं और कई सालों से सबसे पुरानी रामलीला कांगड़ा में थी, उसके बाद ये जगह में आने होने में पड़ी, उसके बावजूद भी जो उसी तदाद में आते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा खुद संकेत है और इसमें बुराइयों के ऊपर जीत पाकर, बुराइयों को खत्म करके अच्छाई पे जीत पाकर जो अगली पीढ़ी को जो देश मिलता है और उस पीढ़ी को भी कुछ हिस्से का मौका मिलता है, जो अपने आप में है और बच्चों में कितना जोश है कि आगे इसको सीखने के लिए और जो अगली पीढ़ी सीखेगी सभी वो कार्य को चालू रूप से आगे से बाकी जाएगी और मैं सभी दोस्तों को अपनी ओर से धन्यवाद हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और मैं अपनी तरफ से उनका जो क्या रामलीला समाप्त हो गया। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए कांगड़ा से पंकज अवरॉय की रिपोर्ट।